अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आवासीय कॉलोनी में मवेशियों का तबेला बनाकर फैला रहे गंदगी, क्षेत्रवासी पहुँचे जनसुनवाई में। अर्धनग्न वस्त्र पहनकर खुले में घूमते व नहाते रहते हैं, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को हो रही परेशानी। आवासीय कॉलोनी में मवेशियों का तबेला बनाकर व्यापार कर गंदगी फैलाने एवं नग्न वस्त्र पहनकर खुले में घूमने से परेशान होकर वार्ड क्रमांक 4 चामुंडाधाम एनेक्स कॉलोनी के रहवासी मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंचे। रहवासियों ने आवेदन में बताया कि मक्सी रोड स्थित चामुंडा धाम कॉलोनी में अंसार नामक व्यक्ति का प्लाट मौजूद है। यह व्यक्ति आगरा का रहने वाला है एवं मवेशी का व्यापार करता है। अंसार ने अपने खाली प्लाट में भैंसों का तबेला बना रखा है और उसी से अपना व्यापार चलता है। अंसार के साथ उसका बड़ा भाई दोनों मवेशियों का कारोबार कई महीनों से करते आ रहे हैं। इनके इस व्यापार के कारण कॉलोनी में काफी गंदगी फैली हुई है, जिससे कॉलोनी में भयंकर बदबू फैलती है। ये लोग अपने मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं, जिस कारण बच्चों को मवेशियों से हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसके प्लाट पर मवेशी पालन, उनके रखरखाव एवं मलमूत्र की निकासी हेतु उचित स्थान नहीं होने से मलमूत्र आदि बारिश में बहकर कॉलोनी के रास्ते आता है। जहां पर ये दोनों भाई व्यापार करते हैं, उसके ठीक पास में गणेश मंदिर एवं बालवीर हनुमान मंदिर भी स्थित है। मंदिर में निरंतर पूजा पाठ चलती रहती है। ये हर कभी खुले में अर्धनग्न वस्त्र पहनकर नहाते एवं इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे क्षेत्र की महिलाएं व माताभनों को बाहर नहीं निकल पाती। रहवासियों ने कई बार अंसार व उसके बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। रहवासियों ने कलेक्टर व नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मवेशी का व्यापार करने वाले दोनों भाइयों पर सख्त कार्यवाही करते हुए खाली प्लाट पर बनाया गया तबेला हटवाया जाए, जिससे हम चैन से निवास कर सके। यदि शीघ्र ही मवेशी स्थान नहीं हटाया जाता है तो कॉलोनी के सभी रहवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इस दौरान प्रवीण भंडारी, संजू कुमावत, सुरेश वर्मा, मनोहर गिरी, मनोहर सिंह सत्कार, गोकुल चंदेल, भारत पटेल, बाबूलाल नागर, दशरथ सिंह दरबार, पंकज भंडारी, कमल सिंह, हिमांशु गलोदिया, गजराज सिंह गलोदिया, कमल सिंह नागर, प्रदीप भंडारी, दिनेश गिरी, श्याम जी, अनिता वर्मा, मायाबाई, रेखा कुमावत, हेमलता वर्मा आदि उपस्थित थे। इसका तबेला डाल रखा है, भैंस का व्यापार करता है, वो वहीं पे मंदिर उससे उसकी तबेले से लगा हुआ बिल्कुल मंदिर है हनुमान जी का। वो मंदिर के जस्ट नज़दीक में ही आए दिन भैंसों को नहलाना धुलाना, भैंसों की गंदगी करना और साथ में वही गेट के जस्ट सामने खुले वस्त्रों में नहाना धुलना करता है। आए दिन मंदिरों में महिलाएँ सुबह सुबह जल चढ़ाने वगैरह आती है, उनको इस चीज़ों का भी कोई ध्यान नहीं है और वो हमेशा इस तरह से कर रहा है। हमने उसको कई बार समझाई थी, बाकी कोई उसको कोई असर नहीं हुआ। हमें थाने और पार्षद में शिकायत की इसकी, बिल्कुल ये है, सब लोग लगे हुए हैं, बाकी वो लोग सुनवाई अभी उतना हो नहीं पाया था, इसलिए हमने सोचा कि जनसुनवाई में आके यहाँ से पहल करें। किराए से रहता है कि खुद के उसका निजी है, बाकी उसने लिया था रहवासी रहने के लिए, वो वहाँ पे उसका व्यापार कर रहा है, काफ़ी समय से कर रहा है, पहले छोटे लेवल पे करता था, आज बड़े लेवल पे आ गया। अभी उसने यहाँ तक कि दूसरे प्लाटों में भी कब्जा करना चालू कर दिया, दूसरे प्लाटों में भी पैसे बांधता है। कितने रहवासी परेशान हो रहे हैं लगभग वहाँ से? पूरा मोहल्ला देखो ना आपके सामने, इतने लोग तो आए हुए, काफ़ी कई लोग आज किस कारण से आ नहीं पाए। इसके अलावा भी और कुछ गंदगी करते हैं क्या? खाना वो तो खाना बनाना, खाने में नॉन वेज वॉन वेज जो भी होता है सब वहीं फेंकना करना, इस तरह की।